शर्मा जीत चुके हैं और भी लोग मौजूद हैं सर, कितने राउंड हुए? बड़ी खबर इस बीच में रुक कर लेते हैं कि शाम 5:30 बजे सीएम गहलोत देंगे इस्तीफा। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, यानी कि मान लिया गया कांग्रेस की तरफ से कि इस बार राज नहीं कायम रहने वाला है। राजस्थान की राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये शाम कुछ बदलती हुई नजर आ रही है सियासी गलियारों से। रविंद्र, सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं, खबर का मतलब यह हुआ कि कांग्रेस ने हार मान ली है और अशोक गहलोत शाम 5:30 बजे अपना इस्तीफा देंगे। अब कांग्रेस की तरफ से कोई इफ कोई बट नहीं, ये रुझान है, नतीजों का इंतजार करेंगे। कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से रिपीट होगी। अब ये साफ हो चुका है, राजभवन जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे। इससे पहले भी अभी सौजन्य भेंट कहा गया था कि उन्होंने मुलाकात की थी। शाम को 5:30 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद जो लगातार तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई अब यहां पर नजर आ रही है, कुछ बच नहीं गया जैसे आप कह रहे थे रविंद्र। निरंजन पोद्दार जी लगातार हमारे साथ बचे हुए हैं। दो इसके पहलू हैं सर, समझिएगा गंभीरता को। एक ये कि तुरंत समझ रहे हैं कि हां, हमारी यह हार कबूल है, स्वीकार है, इस्तीफा देने जा रहे हैं। और अब चूंकि राज्यपाल न्योता देंगे बीजेपी को सरकार बनाने का, तो फिर बीजेपी की जिम्मेदारी होगी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी जल्द से जल्द तय किया जाए। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से ये एक शालीनता की भाषा है कि अगर आप चुनाव हारते हुए दिख जाए, आपको लग जाए कि आप तो आप स्वयं से स्वीकार करके और इस्तीफा दे दें, इसमें आपकी बहुत अच्छी मेरे हिसाब से जो आपकी इज्जत है वो बनी रहती है। और रही बात, आपने दूसरा सवाल किया भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब कौन नामित होगा मुख्यमंत्री के लिए, तो देखिए ये पार्टी के संगठन का और पार्टी के अंदरूनी मामलों का मामला है, इसके अंदर हमें वैसे बोलने का अधिकार नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की जो परिस्थिति है और जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी वहाँ पे अभी समझ लीजिए चुनावों के अंदर आई और आखिर में आकर के उनका पदार्पण हुआ और उन्होंने जिस तरीके से चुनावों को बांधने का प्रयास किया, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व अब शायद हो सकता है कि ये जिम्मेदारी दोबारा से वसुंधरा राजे जी तो, लगातार तीसरी बार अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचा नहीं पाए, ये एक तरह से एक तोहमत सा लगता हुआ उनके पूरे शानदार अब तक के राजनीतिक करियर पर फिर से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं रविंद्र जी, आपका दृष्टिकोण हो सकता है, मेरा दृष्टिकोण इसके अंदर दूसरा है। खासतौर से मातृशक्ति को और युवा शक्ति को, राजस्थान को मैं धन्यवाद देता हूं। वो जानते हैं कि उनका भविष्य और मातृशक्ति के परिवार का पालन पोषण और हर तरह से जो मजबूती जो परिवार को मिल रही है, उस परिवार के साथ, उस युवा के साथ, उस मातृशक्ति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं, उनकी सरकार खड़ी है। अब राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार काम करेगी, पिछले 5 साल के अंदर जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करेंगे। और ये हमारा संकल्प रहेगा कि जिस तरह से देश का विजन है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि अगले 25 वर्ष के अंदर भारत विकसित राष्ट्र और दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में गिना जाए, उसमें राजस्थान पूरी तरह से अग्रणी राज्यों के अंदर अपना स्थान प्राप्त करे। शुरुआत में बहुत चुनौतियां थी आपके साथ, लेकिन आप कितना आश्वस्त हैं कि आपकी 50,000 के अधिक से मार्जन से जीत होगी? देखिए पूरे, आप मेरा कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए, पूरे आनंद से और मजे से, उत्साह से हमने चुनाव लड़ा। सबसे